सो है गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि इरेडा। आप लोग देखोगे इरेडा में आज हमें सुबह काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक 200 रुपये के ऊपर में निकलते हुए नजर आया, बट अभी के टाइम थोड़ा बहुत ऊपर से फिसला और 3.5% के आसपास स्टॉक में तेजी है और 197 रुपये के आसपास स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। 2,37,00,000 के आसपास वॉल्यूम भी आज आते हुए नजर आई है। तो ये तो हो गया अभी इसका आंखों देखा हाल। अब आपको मैं बताता हूँ, अभी कुछ एक खबरें आई हैं। कल शाम की वीडियो मैंने आपको बता दिया था, कंपनी ने जो अपने Q1 या जून क्वार्टर के जो बिजनेस अपडेट है या फिर फर्स्ट क्वार्टर के जो आंकड़े हैं वो कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी बनना जाहिर सी बात थी। तो मैंने आपको बोला 5-10% के बीच में स्टॉक में तेजी आ सकती है और वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक 202 रुपये के आसपास गया, 5% के करीब स्टॉक में तेजी रही आज के दिन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये तेजी सस्टेन करेगा नहीं करेगा, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब आप लोग देखोगे एक और बड़ी खबर आ गई इसी बीच। जी हाँ, कल के दिन तो कंपनी की तरफ से ये अपडेट आ गया था, अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कंपनी के CMD ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कह दी है, वो ये भी FPO को लेकर। जी हाँ, FPO कंपनी जो पीछे अनाउंस हो रहा था, पीछे जो खबरें आ रही थी निकल करके FPO लेकर आएंगी इरेडा, तो उसके ऊपर भी बड़ी खबर आ गई। चलिए दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखोगे भी ये जो अपडेट है वो 30 जून की है, कल शाम को कंपनी ने ये पब्लिश किया था, ठीक है। और ये जो इंटीमेशन यानी कि जो सूचना वो कंपनी ने दी थी भी यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी का जो बिजनेस परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्वार्टर का वो यहाँ पर कंपनी ने दिया है। अगर बात करें भी लॉन सेंक्शंस में, उसमें हमें जो ना अभी लगभग प्रीवियस के मुकाबले 1893 करोड़ के इसके जो लॉन सेंक्शन जो सेंक्शंस हैं वो हमें देखने मिले, और वहाँ से अब के बार कितना भी 9136 करोड़ का इजाफा, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 382.62% बनता है, ये इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप लोग लोन डिसबर्समेंट्स में हमें जो ना अभी प्रीवियस के मुकाबले अब की बार लगभग 67.61% की ग्रोथ आई है। लोन बुक की अगर बात करें तो 47,207 करोड़ से लोन बुक इंक्रीज होकर पहुंच गई है 63,150 करोड़। इसमें भी आप लोग देखो जो ग्रोथ है वो 33.77% की है, तो काफ़ी शानदार लोन बुक में जो इसके लोन सैंक्शंस हैं वहाँ पर डिसबर्समेंट्स में काफ़ी शानदार ग्रोथ आते हुए नजर आई है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव हमें स्टॉक के ऊपर देखने को भी मिला अभी सुबह सुबह। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ FPO के ऊपर आखिरकार क्या खबर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी इरेडा FPO को लेकर सबसे बड़ी अपडेट खुद CMD ने दी है एक्सक्लूसिव जानकारी। और ये आप लोग देखोगे भी CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सुबह सुबह 10:30 के आसपास की खबर है। इरेडा शेयर सरकारी कंपनी ने पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं, वो मैंने आपको बता दी भी। अपडेट जारी करने के बाद CNBC TV18 के खास बातचीत में CMD प्रदीप कुमार दास ने FPO प्लान के बारे में बताया है। तो चलिए भी आपको दिखा देते हैं अभी FPO प्लान आखिरकार क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी अभी, लोन ग्रोथ वगैरह सब कुछ, तो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे इसके उसको लेकर। तो इसी के चलते आप लोग देखो भी कंपनी नर्तन स्टेटस ले चुकी है, अब महारत्न बनने की तैयारी है भी कंपनी की। जून की तिमाही के अंत में इरेडा का लोन बुक 63,150 करोड़ रहा है। इसके पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही से अगर कंपेयर करें तो 33% की ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। करीब एक महीने पहले ही इरेडा ने ऐलान किया था कि जो कंपनी है वो कारोबारी साल 2030 तक महारत्न का दर्जा जो ना भी हासिल करने का लक्ष्य रखा है, और कंपनी को अप्रैल में ही नवरत्न का दर्जा मिला था, ठीक है, अभी पीछे अप्रैल में। उसके बाद आप लोग देखो FPO का प्लान क्या है। तो FPO का जो प्लान है वो यहाँ पर देख सकते हो। CNBC TV18 से खास बातचीत में इरेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि नवंबर से फरवरी के बीच, जी हाँ आप आगे देखोगे भी इसी साल के नवंबर या फिर अगले साल के फरवरी के बीच जो कंपनी है वो FPO ला सकती है। FPO के जरिए कंपनी लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में है, और उन्होंने बताया कि बेस तिमाही में जो सैंक्शंस हैं में सुस्ती की वजह से यह बढ़ा है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट की डेट फाइनेंसिंग
के लिए कंपनी को 21 से 22 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है, यानी कि कंपनी 4000 से 5000 करोड़ एफपीओ के जरिए फंड रेज कर सकती है, जो नवंबर से फरवरी के बीच में आने की संभावना है। तो ये टोटल खबरें आते हुए नजर आई अभी, और इन खबरों के बेस पर स्टॉक में हमें जो अभी काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है अभी के टाइम। तो कंपनी जो अभी लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए जुटा सकती है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया अभी, क्योंकि कंपनी को 21 से 22 लाख करोड़ रुपए जो अभी डेट फाइनेंसिंग के लिए चाहिए होंगे, जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ से अगर बात करें तेजी की, तो इसके अंदर एक और बड़ी अपडेट हैव रिक्वेस्टेड मिनिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव, जो आप लोग देखोगे अभी पीछे आया था ना अभी जो अंडर सेक्शन का जो आता है अभी 54EC फॉर द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें क्या होता है अभी जो डेट वगैरह जो इंटरेस्ट वगैरह वो चीपेस्ट प्राइस पर कंपनियों को फंड मिल जाता है। इससे पहले REC और PFCC के एक्ट के अंतर्गत आती है, अब इन्होंने भी जो अभी गुहार लगाई है कि उन्हें भी शामिल करें, और हुडको की तरफ से भी अपडेट थी, तो इंश्योरों में इसी वजह से पीछे से शानदार रैली बनी। तो ये 3-4 न्यूज़ें मार्केट के अंदर ही शेयर में एक जबरदस्त एक्शन लेकर आई है, और आगे भी ये जो एक्शन है वो जारी रहेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।